students, welcome and let's continue our practice set 2.2, question number 3. So question number 3 and question number 5 in syllabus. Question number 3 and 5 from exercise 2.1 is not in syllabus. So we continue here question number. पिछले वीडियो में मैंने थर्ड और फिफ्थ जो है वो ड्रॉप कर दिया था, तो वो गलती से ड्रॉप हो गया था क्योंकि वो एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट 2.1 का थर्ड और फिफ्थ था, इसलिए हम लोग उसे यहाँ पे फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और फिफ्थ, तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, तो इन फिगर इफ एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी एंड इफ एक्स एंड वाई are also congruent, then prove that line L parallel to line R. Means from given information and diagram, you have to prove line L, means this line L is parallel to line R. So student, you know in geometry, means in question or in diagram, lot of information is given, and using that information you have to continue our example. So here first if you write this statement given, means angle A congruent to angle B, this is given. Then see if these two angles are congruent, and then see line L and M, and if K is transversal, that time these two angle is corresponding angle. So what we say, therefore line L parallel to line R, line M and region corresponding angles, ये क्या है, ये दो लाइन और के अगर ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं तो बी और ए ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल। तो इससे मैंने यहाँ पे पहले गिवन से ये लिख दिया, जैसे सेकंड गिवन एंड एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, दिस इज आल्सो जैसे वेर इज एंगल एक्स एंड वाई, सो एक्स एंड वाई, सो हियर वी सी जेड टाइप ऑफ डायग्राम मीन्स अल्टरनेट एंगल, सो इफ एक्स एंड वाई एंड दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल, दैट टाइम एक्स एंड वाई आर अल्टरनेट एंगल, सो दिस लाइन मीन्स एम एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बनाते हैं, इसलिए हम लोग इन दोनों एंगल से क्या लिख सकते हैं, लाइन या पैरेलल टू लाइन या। अब सिर्फ रीजन क्या है यहां पर आएगा, अल्टरनेट एंगल्स। देन सी फ्रॉम वन एंड टू, अगर एक और दो को देखते हैं तो यहाँ पे लाइन यल यम को पैरेलल है, यम यन को पैरेलल है, इसका क्या हुआ यल और यम जो है वो भी एक दूसरे को पैरेलल है, तो यहाँ पे प्रूव हो गया, देयरफॉर line L parallel to line L from 1 and 2. So, sana asan sa question. So, you continue this example in your notebook. See question number 5. In figure 2.22, ray AO, in this ray AE parallel to ray BD, ray AF is, means this ray AF is bisector of angle EAB and BC. BC is the bisector of angle ABD, then prove that line AF parallel to line BC. So student, this example is very simple. फिर से आपको एग्जाम्पल में जो इंफॉर्मेशन दी है उसकी का क्या करना है, यूज करना है और डायग्राम देखना है ध्यान से। तो पहले जो गिवन थिंग है, फर्स्ट गिवन थिंग इज रे ए ई एंड
BD both are parallel. And suppose AB is transversal, that times this larger angle. This angle and this larger angle both are alternate angle, means congruent. ये सभी प्रॉपर्टी हो चुकी है. फिर बोथ आर एक्स एक्स मीन्स AF इज बाइसेक्टर. अब ये अगर AF बाइसेक्टर है तो ये एक्स इस बड़े का क्या होगा, हाफ पार्ट. और इधर भी इससे ये दोनों y है तो ए बी सी मीन्स दिस y इज हाफ ऑफ एंगल ए बी डी. ए बी डी का क्या होगा, हाफ पार्ट होगा. और अगर दोनों हाफ पार्ट सेम है तो इसका अर्थ हुआ कि ये x और ये y ऐसे z की डायग्राम यहाँ पे दिखाई देगी, ये और इधर. तो ये और ये भी अल्टरनेट एंगल है. अल्टरनेट एंगल है इसलिए फिर से AF और BC क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को पैरेलल होंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं गिवन से. रे AE पैरेलल टू रे BD एंड लाइन AB इज ट्रांसवर्स. AB इज ट्रांसवर्सल. AB को ट्रांसवर्सल मान लिया. तो एंगल कौन सा एंगल, EAB यहां पे भी दिया है, देखिए एंगल EAB congruent to एंगल A B D, A B D. रीजन अल्टरनेट एंगल्स. अब ये अल्टरनेट एंगल है और इसके बाद ये कॉन्ग्रेंट साइन हटा के इसको इक्वल में कन्वर्ट कर ले. A E A B इक्वल टू एंगल A B D. और अगर इनको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2 मीन्स हाफ से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो हाफ इनटू एंगल ई ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी डी. इसे फर्स्ट नंबर देता हूं क्योंकि इसका हाफ जो एंगल ई ए बी है इसका हाफ पार्ट एक तो ये या तो ई या ए बी दोनों में से कोई एक हो सकता है. लेकिन हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, तो ये जो यहाँ पे मैं स्टार करता हूं ये जो एंगल है ये इसका हाफ दिखा देंगे, मीन्स एंगल एफ ए बी इज हाफ ऑफ एंगल ई ए बी. एंड ये देखिए अब एंगल ए बी डी ये दोनों सेम है तो इसमें हम लोग इसका हाफ ये वाला एंगल लेंगे तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ एंगल ए बी डी. अगर ये इंफॉर्मेशन ध्यान में आए तो एग्जाम्पल लगभग खत्म होने के इस पे है कि ये दोनों का हाफ से अगर मल्टीप्लाई किया क्योंकि ए एफ और बी सी ये क्या है, बाइसेक्टर है, मीन्स दो भागों में उसे क्या कर रहे, पार्ट रहे. तो कोई भी एक भाग बड़े के क्या होगा, हाफ होगा. तो हमें जरूरत कौन से एंगल की हुई, एफ ए बी और ए बी सी. अब ये हो गया एफ ए बी ये स्टार और ए बी सी ये भी क्या दिख रहे हैं हमें, अल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं और ये दोनों हाफ हाफ क्या है, सेम है. तो अगर हमने इसे नंबर दिया 2 और इसे नंबर दिया हमने 3 तो हमें क्या पता चलेगा कि एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी फ्रॉम 1, 2 and 3. अब ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है तो इससे रिलेटेड लाइन कौन से बन रही है, AF और BC. तो इसके आगे लिखना है therefore ray AF, जैसे यहाँ पे लाइन लिखा है तो पहले हम लोग क्या करेंगे इसे ray में लिखकर बाद में उसको लाइन में कन्वर्ट कर सकते. तो ray AF parallel to ray BC, रीजन अल्टरनेट एंगल टेस या इसको थेर प्रॉपर्टी. एंड देयरफॉर रे हटा के क्या करना है, लाइन AF पैरेलल टू
लाइन बी सी।